हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिनो टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों को ऐसे चार कूल एप्लीकेशन के बारे में बताया जाऊँ जिसे यूज़ करके जो है आपको अपने फ़ोन को यूज़ करने में आ जाएगा बिल्कुल ही मजा। सो गाइज, अगर आप उन चारों एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं क्या है, कैसे काम करता है, सो गाइज आज की हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। मूवीज़ बेसिकली गाइज, ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि आपको नाम सुन के पता ही चल गया होगा, यहाँ पे आप हॉलीवुड बॉलीवुड या फिर किसी भी भाषा की जो है बॉलीवुड मूवीज़ को जो है यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी होम स्क्रीन पर ही। और गाइज़ यहाँ पर एफ मूवीज़ वन में आप स्ट्रीम कर सकते हैं, एफ मूवीज़ टू वाले सेक्शन में जाएंगे तो गाइज़ आप वहाँ पर किसी भी मूवी को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे गाइज अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, लाइक एक्शन, एडवेंचर, डॉक्यूमेंट्री, फैंटेसी, रोमांटिक, म्यूजिक या फिर टीवी मूवी या फिर कोई भी सीरीज। और गाइज कंट्री की बात करें तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के नाम भी देखने को मिल जाएंगे, मीन्स आपको किस कंट्री का जो है मूवी देखना है। तो गाइज सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज जिस कंट्री के भी मूवीज को आपको देखना है यहाँ पे, आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इंडिया को, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है देख लीजिए। इंडिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंडिया की बहुत सारी मूवीज आ गई, लाइक 1921 हो गई या फिर हो गई द हंगरी, और फिर और भी ऐसे बहुत सारी मूवीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि इंडिया की। और गाइज यहाँ से आप इसे आसानी से जो है यह देख पाएंगे या फिर डाउनलोड भी कर पाएंगे। सो गाइज ये एप्लीकेशन अभी भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जिसे कि आप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम MB की, और गाइज इसे आप यूज़ करके मूवीज़ भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली एप्लीकेशन का नाम है टच कंट्रोल्स फॉर यूट्यूब। बेसिकली गाइज ये भी बहुत ही कूल एप्लीकेशन है। बेसिकली आपको इस एप्लीकेशन के अंदर करना है, इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो उसकी ऑडियो को बढ़ा सकते हैं, वीडियो को ऑडियो बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं MX प्लेयर की तरह। तो गाइज ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही कूल एप्लीकेशन है। बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आ गया आप अपने अकॉर्डिंग जो है टच को जो है कंट्रोल्स को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। डबल टैप पे आपको क्या करना है, एग्जिट फुल स्क्रीन या फिर सीक बैकवर्ड फॉरवर्ड, लॉन्ग प्रेस पे आपको क्या एक्शन चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल एक्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, टैप एनीवेयर टू कैंसिल ऑटो प्ले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल टैप एनीवेयर टू कन्फर्म ऑटो प्ले, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर बेसिकली सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड कंट्रोल रखना है या नहीं रखना है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और फिर गाइस सबसे टॉप पर जा करके जो यहाँ पर जो है इसको इसे इनेबल कर देना है, मींस यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जा करके टच कंट्रोल्स फॉर यूट्यूब की एसेसिबिलिटी को जो है यहाँ पर आपको कर देना है इनेबल, मींस कर देना है यहाँ पर इसे ओपन। उसके बाद जो है आप यहाँ पे यूट्यूब की किसी भी वीडियो को प्ले करते समय यूट्यूब के अंदर ही उसे MX प्लेयर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर। तो गाइज बेसिकली मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है प्ले स्टोर, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं अपना चैनल ओशन ऑफ टेक, और गाइज यहाँ पर इस ओशन ऑफ टेक चैनल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी एक वीडियो को, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहां पे कोई भी परेशानी ना हो। सो बेसिकली गाइस यहां पे मैंने अपनी एक जो वीडियो को है वो कर लिया है ओपन, सो ऐड आ गया, तो चलिए ऐड को कर देते हैं कुछ स्किप। स्किप करने के बाद यहां पे फुल स्क्रीन पे ये सारी चीजें जो है आपके फोन में काम करेगी। तो गाइस फुल स्क्रीन पे आने के बाद बेसिकली आपको करना क्या है, यहां पे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं लेफ्ट हैंड साइड अप कर रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज दिखा रहा है, मींस यहाँ पे वॉल्यूम के नंबर्स दिखा रहे हैं कितनी है। ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्रैग साइड से ड्रैग करके जो है उसे ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, और फिर अगर लॉन्ग टैप करेंगे किसी एक साइड तो गाइज यहाँ पे जो है आपकी वीडियो फॉरवर्ड होने लगेगी, और लेफ्ट हैंड से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड जाने लगेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बैकवर्ड भी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से जो आप डबल टैप करके जो है फुल स्क्रीन से जो है यहाँ पर एग्जिट भी हो सकते हैं। सो गाइस सिंगल टैप पे वीडियो प्ले हो जा रही है, सिंगल टैप पे वीडियो प्ले पॉज हो जा रही है जहाँ कहीं भी आप टैप कर रहे हैं, और अगर आप डबल टैप करेंगे तो फुल स्क्रीन जो है एग्जिट हो जाएगी। सो गाइस मेरे ख्याल से ये भी एप्लीकेशन बहुत ही कूल है जो कि यूट्यूब के अलग वे में यूज़ करने को दे रहा है। सो गाइस हमारे अगली एप्लीकेशन का नाम है ऑडियो विजन। सो गाइस बेसिकली ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की, बिकॉज इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत ही कमाल का विजुअलाइजर मिल जाता है जो कि आपके बिल्कुल ही म्यूजिक के बीट पर बीट देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आप किसी भी गाने को यहाँ पर सिंपली प्ले कर देंगे, और प्ले करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है विजुअलाइजर आ गया, और गाइस यहाँ पर आप इसे फुल्ली कस्टमाइज कर सकते
सकते हैं, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और फिर गाइज यहाँ पे आप इसके कस्टमाइजेशन को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे विजन देखने को मिल जाते हैं लाइक अलग अलग तरीके के, और आप जो है उन सारे विजन्स को जो है अपने अकॉर्डिंग फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बीट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बार बीट बढ़ा सकते हैं, और फिर गाइज यहाँ पे और भी कुछ सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर अपनी इसकी मदद से फुल्ली कस्टमाइजेबल विजुअलाइजर है जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर जो है चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए बीट को बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए सेट मेन कलर, सेट कलर वन, सेट कलर टू, सेट सेंटर कलर, या फिर पिक कस्टम लोगो। सो गाइज यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फोटो हो, आपके चैनल का लोगो, या फिर कुछ भी हो। और गाइज यहाँ पे आपको एक इक्वलाइजर देखने को मिल जाता है जिससे कि आप किसी भी अपने किसी भी गाने को इक्वलाइज कर सकते हैं, कोई सा भी प्रेजेंट जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे जो इसका मेन फीचर था वो था इसका विजुअलाइजर, जो कि बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है और आपको बहुत ही कमाल के जो है लुक दे देता है। सो गाइज मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन भी बहुत ही तो दोस्तों यहाँ पे हमारी अगली और लास्ट एप्लीकेशन का नाम है जेड डायलर। बेसिकली गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप यहाँ पर किसी भी इमेज को हाइड कर सकते हैं अपने डायलर के अंदर, और किसी को जो है यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सारी परमिशन को करना है अलाउ, और ग्रांट परमिशन में जाने के बाद जो है इसकी एसेसिबिलिटी को ऑन कर देना है। और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात है तो गाइस यहाँ पे हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो जो है यहाँ पे आप एज अ बैकअप पासवर्ड आप उसे डाल दीजिए। फिर गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इस डायलर के अंदर आपको 4 डिजिट का कोई एक पासवर्ड जो अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है। जैसे कि आप यहां पे देखिए, मैंने वो डायलर टाइप कर दिया, और फिर गाइस जैसे मैंने ग्रीन वाले पे टैप किया, कॉल डायलर वाले बटन पे टैप किया, तो गाइस बेसिकली जो है यहां पे ये पासवर्ड सेट हो गया। और फिर आप यहां पर देख लीजिए, यहां पे डायलर वॉल्ट जो है ओपन हो गया। और आप यहां पे अपनी मदद से अपने अकॉर्डिंग कोई से भी वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, या फिर कुछ भी चीजें हो गई, वो यहां पे आप इसमें अंदर हाइड कर सकते हो। और गाइस बेसिकली ये बिल्कुल ही डायलर की तरह काम करता है। जैसे कि आप यहां पे इसे ऑन करके किसी को कॉल भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखिए, मैंने आपको कॉल भी लगा के दिखा दिया है, और फिर यहाँ पे जो है आप रिसेंट चीज़ें, कीबोर्ड, और फिर अकाउंट कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये एक सीक्रेट ऐप है, मीन्स यहाँ पे आप किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। बट गाइस आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, किसी और से बचा सकते हैं। सो गाइस मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। सो गाइस कुछ इस तरह करते हैं हमारे ये 4 एप्लीकेशन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।